तो दोस्तों अभी पिछले दो दिन से ये एक सवाल बहुत ज्यादा मेरे पास आ रहा है क्या ये स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक अच्छा वक्त आ चुका है क्या लमसम करने का एक अच्छा टाइम आ चुका है तो क्या अभी आपको इसमें लमसम कर देना चाहिए क्योंकि अभी दो चार दिन से गिरावट देखने को मिली है हालांकि आज मार्केट में तेजी देखने को मिली थी मिड कैप इंडेक्स में दो परसेंट और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर भी दो ढाई परसेंट का उछाल देखने को मिला है अब आपको टोटल सिनेरियो यहां पर समझना है लमसम करने के बारे में यहां पर अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे एक महीने में लगभग ढाई की गिरावट है तीन महीने में लगभग फ्लैट इंडेक्स ये नजर आ रहा है हालांकि अभी छह महीने और साल भर में अभी भी एक अच्छी जबरदस्त रिटर्न्स मिली हुई है प्राइस टू अर्निंग को देखते हैं तो हायर साइड पे 32 के आसपास प्राइस टू अर्निंग है प्राइस टू बुक वैल्यू भी हायर साइड में यहां पर नजर आती है तो अभी भी गिरावट के बाद भी जो शेयर हैं जो ये स्मॉल कैप फंड हैं ये अभी भी ओवर वैल्यूड यहाँ पर नजर आते हैं आप यहां पर देख सकते हैं पांच साल एक साल तीन साल सभी वैल्युएशन के पैरामीटर पे हायर साइड पे स्मॉल कैप कंपनीज का ये जो इंडेक्स है ये यहाँ पर नजर आता है सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स की बात यहाँ पर करी जाए तो मिड कैप इंडेक्स में भी देखेंगे एक महीने में कोई भी रिटर्न नहीं है और एक तीन महीने में यानी कि एक क्वार्टर में लगभग तीन परसेंट के आसपास के रिटर्न है एक साल में अभी भी फिफ्टी टू परसेंट के आसपास के रिटर्न्स हैं अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 46 की प्राइस टू अर्निंग यहां पर नजर आएगी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है ये इंडेक्सेस भी एक साल दो साल पांच साल किसी भी पैरामीटर में हम अगर यहां पर देखते हैं वैल्यूएशंस यहां पर भी हायर साइड पे नजर आती है और दूसरी चीज आपको यहां पर समझनी है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज हैं उनमें रिटर्न अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है कुछ टाइम पहले एक साल में 70-80 परसेंट की रिटर्न थी जो अभी गिर के पचास परसेंट की रह गई है और मुझे लगता है कि अभी आने वाले और छः महीने एक रेंज बाउंड यहां पर स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस चलने वाले हैं बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन अभी आपको कुछ टाइम तक नहीं रखनी है कुछ नेगेटिविटी बनी हुई है मार्केट में वो वैल्युएशन को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहां पर मान रहे हैं कि वैल्युएशन इंडियन मार्केट की अब ज्यादा होने लगी है तो वो वैल्युएशन का कंसर्न अभी भी इंडिया की मार्केट को लेकर है तो दो चार दिन पांच दिन की गिरावट की वजह से क्या हमें स्मॉल कैप मिड कैप में लमसम कर लेना चाहिए तो देखिए अभी वैल्युएशन उस लेवल की अट्रैक्टिव नहीं हुई है कि हम लमसम के बारे में बात करें आपकी एसआईपी चल रही है चलने दीजिए आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है उसको निकालिए मत लेकिन लमसम का असली फायदा असली मजा तभी है जब वैल्यूशन सस्ती हो चुकी हो या इंडेक्सेस में 10, 12, 20 परसेंट तक की गिरावट आ चुकी हो तब उस टाइम पे एक अच्छा लमसम करके आपको असली बेनिफिट यहां पर मिलता है हर दो चार परसेंट की गिरावट भी आपको लमसम करने के बारे में नहीं सोचना है ये जो दो चार परसेंट की गिरावट है ये मार्केट में चलती रहती है कुछ गिरावट आएगी फिर उछाल देखने को मिलेगा ये मार्केट की साइकिल का एक पार्ट है लेकिन अगर अच्छी गिरावट दस बारह बीस परसेंट की गिरावट अगर आती है तो लमसम करने का आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ साथ वैल्युएशन अगर सस्ती होती है हिस्टोरिकली लो वैल्यूएशन पे आ जाता है या एवरेज जो वैल्युएशन है उसके नीचे मार्केट आ जाती है तब आपको वैल्यूएशन में लमसम करने का उन अट्रैक्टिव वैल्यूशन में असली फायदा होगा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको लमसम करने का नहीं मिलने वाला है तो इसलिए मुझे लगता है आपको पेशेंस रखने चाहिए एस अगर चल रही है वैसे ही चलने दीजिए लेकिन एक्स्ट्रा लमसम करने का अभी बहुत ज्यादा अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर हम बात करें नहीं है लेट्स सी अभी आने वाले हफ्ते में कैसा अभी माहौल रहता है मार्केट में अगर कुछ नेगेटिविटी फर्दर होती है तो शायद ऑपरचुनिटी आपकी बने अगर यहां से फिर से तेजी दोबारा से बनने लग जाती है मार्केट में तो जो आपकी एस मोड आप चल रहा है उसको वैसे ही चलने दीजिएगा लेकिन लमसम करने की अभी जल्दबाजी यहां पर आपको नहीं करनी है मार्केट अभी किसी एक डायरेक्शन में या लोअर लेवल से कंसोलिडेशन फेज में भी अभी नहीं जा रहा है तो उन चीज़ों का आपको यहां पर ख्याल रखना है लेकिन साथ में एस आपको अभी बंद नहीं करनी है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एल एस आपको बंद नहीं करनी है जैसी एस अपनी चल रही है जितने अमाउंट की चल रही है उससे आपको छेड़छाड़ एटलीस्ट यहां पर इस वक्त नहीं करना है तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी धन्यवाद